चलिए आज हम लोग भूगोल में देखना है, क्लास 10 के भूगोल में आज हम लोग को देखना है बिहार, बिहार में कृषि संसाधन के बारे में आज हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। देखिए यहाँ पे एक स्टेप आपको दे रहे हैं, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ के 80% लोग कृषि पर आश्रित रहते हैं। आप लोग को एक चीज और भी ध्यान रखना है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में जब बिहार से झारखंड अलग हुआ, उस समय से बिहार के लोग कृषि पर, बिहार के लोग लगभग लगभग 80% बिहार के लोग लगभग 80% कृषि पर आश्रित हो गए। बताया जाता है कि 1990 से 1991 तक उस समय बिहार लगभग लगभग बिहार उस समय बिहार 48.88% भाग पर कृषि उत्पन्न भाग पर उत्पन्न किया जाता था। अब यहाँ पे आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम आप लोगों को बता दे रहे हैं आगे क्या होगा, आगे कैसे होगा, क्या क्या होता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हेलो, मोटे मोटे पंडित जी बारे में पढ़ा पा रहे हैं।
तुम लोग बस धीरे धीरे बाबू आओ ना, तुम आता हो तो एक बार जाने के बाद सीधा देखने के बढ़िया व्यवस्था कर लो, देखने के बढ़िया पहले कल से। ओके यहाँ बताया क्या उसके बाद 2005 2006 में कृषि उत्पादन की क्षमता बढ़कर 59.37% हो गया। बताया जाता है बिहार में 4 प्रकार बिहार में 4 प्रकार की फसलें उगाई जाते हैं। पहला कौन सा फसल होता है जिसका नाम होता है भदई। भदई पहला होता है भदई, दूसरा होता है अगहनी, दूसरा होता है अगहनी, तीसरा होता है रबी, चौथा होता है आपको गर्मा फसल। चौथा होता है हम लोग का कौन सा फसल, गर्मा गर्मा। अब देखिए आप लोग, ये जो अगहनी फसल है इसको हम लोग खरीफ भी बोलते हैं, खरीफ। इसको हम लोग कौन सा फसल बोलते हैं, खरीफ फसल भी बोलते हैं। तो अब हम लोग का बिहार में कितना प्रकार की कृषि की जाती है, 4 प्रकार के। पहले का कौन सा बोला गया, भादुई, दूसरा का कौन बोला गया, अगहनी या खरीफ, तीसरा का कौन बोला गया था, रबी, और चौथा कौन बोला गया था, गर्मा। चौथा कौन सा फसल बोला गया था, गर्मा बोला गया था। चलिए आप इस चीज़ को हम लोग बारी बारी से जानते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग को देखना है कौन सा फसल, अब हम लोग को देखना है 1 नंबर भदई फसल। अब देखिए भदई फसल क्या है, भदई फसल को मई और जून में बोया जाता है तथा अगस्त और सितंबर में कटाई कर ली
जाती है, ठीक है ना। आप लोग समझिएगा भदई का मतलब क्या होता है, हम आप लोग को बता रहे हैं भदई का मतलब क्या होता है, हम आप लोग को बता रहे हैं कौन कौन सा महीना में इसको बोया जाता है, इसको कौन कौन सा महीना बोया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग मई और जून में क्या करते हैं, बोते हैं। और इसका कटाई कब होता है, अगस्त और सितंबर में होता है। अगस्त और किस में होता है, सितंबर, पहले समझ लो उसके बाद लिखना, अगस्त और सितंबर में। जैसे में अगर कोई पूछेगा कि इसमें कौन कौन सा फसल उगाया जाता है, आप लोग फसल का नाम रखिए, आप लोग फसल का नाम क्या क्या रखिएगा, फसल का देखिए, एक आप लोग सुने होंगे भदई धान, कौन सा धान, भदई, भदई धान, ज्वार, बजरा, जूट और सब्जी। आप लोग ध्यान रखिएगा क्या क्या इत्यादि हम लोग लिख सकते हैं, या क्या बताया गया है। भदई फसल क्या है, जिस फसल को हम लोग पांचवा और छठा महीना में क्या करते हैं, रोपते हैं, बोते हैं, तथा उसकी कटाई कब की जाती है, आठवा और नौवा महीना में काट ली जाती है, इस फसल को हम लोग कौन सा फसल बोलते हैं, भदई फसल कहते हैं। भदई फसल जैसे में क्या होता है, भदई धान होता है, ज्वार होता है, बजरा होता है, जूट होता है, और क्या होता है, सब्जियाँ, ठीक है ना। बहुत सारे सब्जियाँ भी उगाई जाती हैं, इसलिए हम लोग उसको बोल सकते हैं सब्जियाँ भी हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग रोकते हैं। इसको हम लोग बिहार में कितना प्रकार की कृषि की जा रही थी, चार प्रकार में हम लोग का पहला प्रकार मिला हुआ का है भदई। पहला कौन सा प्रकार है, भदई प्रकार है। उसके बाद हम तो सबका आप लोगों को बता रहे हैं, तुरंत इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब कौन सा फसल आता है, अब कौन सी फसल की बात आएगी, अब हम लोग की दूसरी नंबर की फसल क्या है, अगर नहीं देखो ना भाई इधर होगा क्या होगा, अगहनी या खरीफ, कौन सा है, अगहनी या क्या है, खरीफ। वैसा फसल जिसको जून से अगस्त तक बोया जाता है तथा नवंबर और दिसंबर में
काट लिया जाता है, उससे कहानी फसल या खरीफ फसल कहते हैं। जैसे में धान, बजरा, ज्वार और उसके बाद क्या आता है, धान हो गया, बजरा हो गया, ज्वार हो गया, उसके बाद क्या आता है, और कोई नाम बताइए आप लोग, या पे हो जाएगा अरहर, गन्ना इत्यादि और भी फसलें होती हैं, ठीक है ना। अगहनी फसल या खरीफ फसल आप लोग भी बोल सकते हैं। अगहनी फसल किसे कहते हैं, वर्षा ऋतु में जिसको हम लोग, वैसा फसल जिसको वर्षा ऋतु में क्या किया जाता है, बोया जाता है, वैसा फसल जिसको हम लोग वर्षा ऋतु में बोते हैं उसको कौन सा फसल कहते हैं, कौन सा फसल कहते हैं उसको, उसको हम लोग कौन सा फसल बोलते हैं, उसको हम लोग अगहनी या खरीफ फसल बोलते हैं। जैसे अभी हम लोग कौन सा फसल का रोपनी कर रहे हैं, अभी हम लोग अगहनी या खरीफ फसल का रोपनी कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग कौन सा फसल बोलते हैं, खरीफ फसल। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तीसरा नंबर पर कौन सा फसल आता है, तीसरा नंबर पर कौन सा फसल के बारे में बताया गया था, रबी फसल के बारे में बताया गया था। रबी, रबी ऐसे लिखा जाता है जी, ये रबी गलत हो जाएगा, याद रखिएगा, ये रबी जो हम लोग लिख रहे हैं ये गलत हो जाएगा। ये जो नाम वाला रबी है ना, ये होता है, ठीक है ना। ये नाम वाला रबी जो होता है हम लोग ऐसे लिखना पड़ेगा, रबी फसल, रबी फसल। अब इसको लिखना है, आप लोग तो रबी फसल के बारे में जरूर जानते हैं कि गेहूँ, सरसों, मटर इत्यादि का रोपाई, अब इसको हम लोग कब रोपते हैं, इतने आप लोग को भली भांति पता है कि इसको कब रोपा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान में भी होगा जिसको हम लोग रोकते। चलिए अब हम लोग देखते हैं, वैसा फसल जिसको नवंबर, नवंबर और
दिसंबर में बोया जाता है और अप्रैल में कटाई कर ली जाती है। उसे रवि फसल कहते हैं। उसे कौन सा फसल कहते हैं? जैसे में गेहूं, मटर, सरसों, उसके बाद बताओ। और हम लोग देहाती भाषा में तेलहन भी बोला जाता है, तेलहन, दलहन इत्यादि। देखिए सरसों तो एक सिंपल सा हो जाएगा, तेलहन में भी, दलहन में भी बहुत आते हैं तेलहन, ठीक है ना, इत्यादि। ये चीज़ें जो है हम लोग को इसको हम लोग भी बोल सकते हैं। ठंडा के दिन में जिसको हम लोग क्या करते हैं, बोते हैं। ठंडा के समय में हम लोग क्या करते हैं, इसको बोते हैं। और गर्मी के समय में हम लोग क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर नवंबर और क्या लिखा गया, दिसंबर। तो नवंबर और दिसंबर के समय में ठंडा का मौसम आ जाता है। नवंबर और दिसंबर में किसका समय आ जाता है, ठंडा का समय आ जाता है, ठीक है ना। और उसको अप्रैल में गर्मी का समय आ जाता है, उस समय में हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। तो इस फसल में कौन कौन सा आएगा, गेहूँ, मटर, ठीक है ना, सरसों, दलहन और तिलहन भी इत्यादि, और अन्य भी बहुत सारे का आते हैं, फसल आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये फसल को हम लोग नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। अब हम लोग का अगला स्टेप है चार नंबर गर्मा फसल क्या है। वैसा फसल जिसको
गर्मी के दिनों में सिंचाई के बल पर उगाया जाता है। उससे गर्मा फसल कहते हैं। उसे कौन सा फसल कहते हैं? गर्मा फसल। जैसे में हो जाएगा आप लोग को धान, जैसे में हो जाएगा आप लोग का धान, सब्जी इत्यादि। देखिए गर्मा फसल एक और भी होता है जिसमें हम लोग अधिक सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ता है। मूंग भी होता है जिसको हम लोग गर्मी के दिनों में क्या करते हैं, उगाते हैं, लेकिन इसमें सिंचाई की उतनी आवश्यकता क्या होती है, नहीं होती है। तो ये हम लोग का है गर्मा फसल है जिसको गर्मी के दिनों में सिंचाई के बल पर, सिंचाई के मतलब आप लोग समझते हैं ना, जैसे हम लोग को देहाती भाषा में बोला जाता है पटक पटक बोलते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर बोला गया है कि सिंचाई के बल पर इसको क्या किया जाता है, उगाया जाता है। इसको सिंचाई के बल पर क्या किया जाता है, उगाया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग गर्मा फसल कहते हैं। अगर आप लोग से कोई पूछेगा कि बिहार के प्रमुख फसलों का नाम बताइए तो आप लोग क्या क्या बता सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई आप लोग से पूछेगा कि बिहार के प्रमुख फसलों का नाम बताइए तो चार गो ऐसा फसल, पांच गो का नाम बताइए जो प्रमुख है। आप लोग क्या क्या नाम रखिए रखिए तो जरा, कौन कौन सा फसल का हम नाम रखेंगे जो प्रमुख है बिहार के। चलो बोलो जल्दी से, यहाँ पे हम आप लोग को ऑप्शन में दे रहे हैं बिहार के प्रमुख फसल लोग का नाम लिखें। बिहार के प्रमुख फसलों का नाम लिखें। चलिए मैं आप लोग से 10 को नाम पूछता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा गया है, बिहार के प्रमुख फसलों का नाम लिखें, ठीक है ना। देखिए एक नंबर में धान, दो नंबर में गेहूँ, तीन नंबर में क्या हो जाएगा ज्वार, चार नंबर में क्या हो जाएगा बजरा, पांच नंबर में क्या हो जाएगा मक्का, छः नंबर में आप लोग क्या ले लीजिएगा तिलहन, सात नंबर में ले लीजिए दलहन। अब आप याद रखिएगा यहाँ पे तिलहन में क्या क्या हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, सरसों, तीसी, सूर्य मुखी, मूंग फली इत्यादि और भी बहुत सारा क्या होता है। अब आप लोग यहाँ पर बोलिएगा सर दलहन में क्या क्या ले लेंगे, हो जाएगा मसूर,
अरहर, मटर, चना, खेसारी, ये सब आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग चलिएगा पांचवा, सॉरी यहाँ पर हो गया छठा, ये हो गया हम लोग का सातवा, अब हो जाएगा आठवा। इसमें हम लोग लिख देंगे एक, जिसको हम लोग गाना बोलते हैं। एक के बाद हम लोग क्या बोलेंगे, नौ के बाद यहाँ पर हम लोग का सॉरी आठ के बाद हो जाएगा नौ, नौ में हम लोग क्या बोलेंगे महुआ, महुआ के बाद दस में क्या होता है तम्बाकू, तम्बाकू के बाद क्या हो जाएगा फल, तो फल में बहुत सारा फल हो जाएगा। आप लोग को अभी यहाँ पे फल का नाम लिख दे रहे हैं, आम, लीची, केला, अमरूद, उसके बाद क्या हो जाएगा जामुन, उसके बाद सेब, उसके बाद इत्यादि बहुत सारा है, ठीक है ना। ये हम लोग का कहाँ है फल में आता है। अब एक आम में आता है फूल, तो फूल में क्या आता है, तो आप लोग सुने होंगे बहुत सारा फूल, गुलाब का फूल, कमल का फूल, गेंदा का फूल, चमेली का फूल, कनेल का फूल, बहुत सारे ऐसे फूल जो है उगाया जाता है। तो हम लोग का बिहार की ये प्रमुख का है फसलों का नाम है जो का किया जाता है बोया जाता है। अब ये को चीज़ आप लोग ना समझ लीजिएगा कि ये को चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं बोते हैं। सब्जी में आ जाएगा, सब्जी में हम लोग सिंपल सा खाली यहाँ पे लिख दिए हैं सब्जी, सब्जी का भी हम लोग नहीं लिखे हैं यहाँ पे। आप लोग सब्जी का भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। सब्जी में आप लोग जानते हैं यहाँ पे आलू, आलू के बाद क्या होता है पटल, पटल के बाद क्या होता है करेला, करेला के बाद क्या होता है नेनुआ, नेनुआ के बाद क्या होता है लौकी, लौकी के बाद क्या होता है प्याज, प्याज के बाद क्या होता है भिंडी, बहुत सारा टमाटर इत्यादि। अरे मतलब आप लोग समझ जाइएगा कि बहुत प्रकार के हम लोग यहाँ का की जाती है फसलों का उत्पादन किया जाता है। अब आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हो कि किस किस चीज़ का हम लोग खेती का करते हैं। आलू का होता है, टमाटर का होता है, बैंगन का होता है, घेवरा का होता है, ठीक है ना, तुरई का होता है। अरे आप लोग सब्जी का नाम थोड़ा सा याद डालिएगा, ठीक है ना, कंडा होता है, भिंडी होता है, प्याज होता है, ठीक है ना, गोभी होता है, फूल गोभी होता है, बंधा गोभी होता है, ठीक है ना, अनेक प्रकार के हम लोग के यहाँ सब्जी भी उगाया जाता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जो आने वाला समय में हम लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा।